गुड इवनिंग एवरी वन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ग्रेड अप प्लेटफॉर्म. बच्चों जल्दी से अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए कि मैम आ गई हैं, और आप लोग भी फटाफट सब कुछ छोड़ के बैठ जाइए क्लास 11th का चैप्टर रिवाइज करने के लिए. गुड इवनिंग एवरी वन, आई सी फ्यू पीपल हेयर, बट गाइज और सारे दोस्तों को ले आओ, साथ में पढ़ेंगे तब तो मज़ा आएगा. सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी जस्ट टेल यू कि अब क्योंकि नीट 2021 का डेट इतना ज़्यादा शिफ्ट हो चुका है एंड नीट 2022 अगले साल है, तो उसके लिए हम लोगों ने, ग्रेड अप ने नए कोर्सेज शुरू किए हैं बेटा, 2021 वालों के लिए भी, 2022 वालों के लिए भी. क्या क्या कोर्सेज हैं जो लोग इस ईयर नीट देंगे 2021 में बच्चे, उनके लिए रैंकअप नीट बैच है. रैंकअप नीट 2021 बैच है जो शुरू किया गया है फॉर ऑल दोज पीपल जो कि 2021 में नीट देना चाहते हैं. ठीक है, रिवीजन बैच है, सारा सिलेबस आपका कवर होगा 11th एज वेल एज 12th. 22nd मार्च से है बेटा. ठीक है, तो आप ग्रेडअप ऐप पे जाके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि कैसे एनरोल करना है, क्या फीस है, सारी चीज़ें वहाँ पे है. अगर आपको नीट 2022 देना है और आप अभी क्लास 12 में हो, तो आप कॉनकर नीट 2022 बैच में एडमिशन ले सकते हो और तैयारी कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के नीट के पेपर के लिए जो 5th of April से ये बैच शुरू होगा. तो इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको. ठीक है, उसके अलावा YouTube पे क्रैश कोर्स चल रहा है सुबह दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक. ठीक है, शाम 6 बजे तक, दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक बैचेस चल रहे हैं बेटा, जिसमें बिल्कुल 650 प्लस अगर आप चाहते हो तो आप बिल्कुल इस क्रैश कोर्स में एनरोल हो जाओ. YouTube पे है, फ्री क्लास है, ये YouTube पे है. ठीक है, वो बाकी दोनों कोर्सेज जो बताए मैंने वो थे ऐप पे, ये कोर्स जो है ये YouTube पे है. ठीक है, चारों सब्जेक्ट का रिवीजन होगा, दोनों 11th एज वेल एज 12th का, एंड बैच जो है बहुत पहले ही शुरू हो चुका है, तो यू गाइज अ बिट लेट, बट ठीक है कोई बात नहीं. लेट मतलब देर आए दुरुस्त आए, अब आपको पता है आपको क्या करना है. ओके, उसके अलावा अभी जो क्लास आप कर रहे हो उसका नाम है नीट रिवीजन महोत्सव, जहां पे नीट के फुल सिलेबस का रिवीजन कराया जाएगा बच्चों, चारों सब्जेक्ट में, शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक. शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक. गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग. तो शाम 7 बजे केमिस्ट्री की क्लास लगेगी मंडे से सैटरडे, शाम 8 बजे बॉटनी की क्लास, 9 बजे जुअलॉजी, 10 बजे फिजिक्स की क्लास, हफ्ते में 6 दिन, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. मंडे ट्यूसडे और वेंसडे को क्लास 12th का एक चैप्टर रिवाइज किया जाएगा बच्चों, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को क्लास 11th का एक चैप्टर रिवाइज किया जाएगा. एंड ये भी यूट्यूब पे है, जो अभी आप करेंटली जिस कोर्स में आप पढ़ रहे हो वही है ये नीट रिवीजन महोत्सव. ये सारे कोर्सेज हैं, ये भी देखो एक मार्च को शुरू हुआ था तो 14 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, खुद सोच लो कि कितने चैप्टर्स हो चुके होंगे रिवाइज अलॉन्ग विथ मेंटी क्विज. हाय गाइज, हेलो, गुड इवनिंग. चलो सब, काफ़ी लोग आ गए हो, और जब काफ़ी लोग आ गए हो तो जल्दी जल्दी से सबसे पहले तो बेटा लाइक कर दो सेशन को, और साथ ही साथ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. अगर ये घंटे वाला आइटम नहीं दबाया तो भाई आपको मेरे नेक्स्ट क्लासेस का पता नहीं चलने वाला, इसीलिए आपको ये आइकन दबाना पड़ेगा घंटे वाला, और लाइक तो कर ही दो. गुड इवनिंग. अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे फ्राइडे के सेशन में, सॉरी फ्राइडे कह रही हूँ, ट्यूसडे के सेशन में, उसका आंसर इन 5 लोगों ने करेक्ट दिया है. सो दीज आर द स्टार स्टूडेंट्स, ये स्टार स्टूडेंट्स है भाई जिन्होंने मेरे सवाल का करेक्ट करेक्ट जवाब दिया है. गुड इवनिंग, हेलो फैजल, पल्लवी, साक्षी, आयत एंड प्राची. ऑल्दो मैंने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था, गाइज लिसन टू मी केयरफुली, बाकी फर्स्ट 4 क्वेश्चन का, 5 क्वेश्चन पूछे थे, फर्स्ट 4 क्वेश्चन का आंसर आप सबने करेक्ट दिया है, बट क्वेश्चन नंबर 5 था एपिथीलियम ऑफ वजाइना, एपिथीलियम इन वजाइना या एपिथीलियम लाइनिंग वजाइना, करेक्ट
ठीक है. एपिथीलियम लाइनिंग वजाइना इज, आप लोगों ने क्या बोला है, ओनली स्क्वामस एपिथीलियम. नहीं, करेक्ट आंसर होगा नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम. ठीक है बच्चों, करेक्ट आंसर ये होगा. बाकी चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट दिया है. ओके. नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम एंड यस म्यूकोसल सेल्स होते हैं. ठीक है. जर्मिनल एपिथीलियम, तो बेटा जर्मिनल एपिथीलियम तो गोनाड्स के चारों तरफ है ना. ओके. हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज क्लास 11th चैप्टर. ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. आधा आज करेंगे, आधा कल करेंगे. साथ ही साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे एंड ऑब्वियसली होमवर्क तो मिलना ही मिलना है. ओके. दिस इज़ माई टेलीग्राम ग्रुप. अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है बच्चों, तो आप कर सकते हो @learnzoology with Prachi Ma'am पे. दिस इज़ द टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मेरी कौन सी क्लास है. ठीक है, उसके अलावा मैं नेक्स्ट सेशन क्या लूँगी, अगर वो भी पूछोगे तो मैं बता देती हूँ. जितने भी डाउट्स होते हैं वो मैं वहीं पे क्लियर करती हूँ @learnzoology with Prachi Ma'am के टेलीग्राम ग्रुप पे. उसके अलावा जो भी सेशन मैं यूट्यूब पे लेती हूँ उसके PDF भी वहीं शेयर होते हैं. तो अगर आपको ढंग से रिवीजन करना है और मेहनत थोड़ी कम चाहिए, आपको एक ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें चाहिए, तो बेटा इस ग्रुप को ज्वाइन करो, आपको मिलेगा. एंड रेगुलरली मंडे टू सैटरडे रात में क्लासेस अटेंड किया करो. जस्ट बिकॉज ये चैप्टर टफ लगता है, बहुत इजी है. यासिर तुम देखो आज, बिल्कुल आसान हो जाएगा ये चैप्टर. ठीक है. गुड इवनिंग. हाँ बिल्कुल आयत, वी विल स्टार्ट. बट बिफोर दैट मेक श्योर दैट यू गाइज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, लाइक द सेशन. ओके. चलो जी, सबसे पहले तो एक्सोक्राइन वर्सेज एंडोक्राइन. सो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. डायग्राम नजर आ रहा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड. हाय आस्था एवरी वन, हेलो. ओके. हाँ चलो, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड है एंड इसके पास डक्ट होता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या नाम है, यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर भी. डायग्राम में मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है, इसीलिए बोला. सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दे हैव डक्ट्स एंड जो भी सिक्रीशन बनाते हैं, द सिक्रीशन कैन बी सर्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम, सिक्रीशन कैन बी म्यूकस. ठीक है, वो सारा का सारा डक्ट के थ्रू, सलाइवा भी हो सकता है, डक्ट के थ्रू जो है बाहर आता है ना. वेयर एज हेलो, एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या सीन है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट्स नहीं होते, तो ये क्या करते हैं, ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देते हैं. इनका सिक्रीशन क्या है, द सिक्रीशंस आर कॉल्ड एज हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स को डायरेक्टली ये आजू बाजू के ब्लड कैपिलरी के अंदर भेज देते हैं, डायरेक्टली ब्लड में. यस, एंडोक्राइन आर डक्टलेस ग्लैंड. वेलकम शिवम, इफ यू आर न्यू तो अच्छे दिन आए हो. क्लास 11th का ये चैप्टर हम नीट 2021 के लिए रिवाइज कर रहे हैं. ओके. तो हम लोग क्योंकि यहाँ पे केमिकल कंट्रोल पढ़ेंगे, तो आपको पता है कि आपकी बॉडी में देर आर टू सिस्टम्स दैट कंट्रोल ऑल दी अदर सिस्टम. आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, लोकोमोटरी, ऑल द सिस्टम्स आर कंट्रोल्ड, गवर्न्ड बाय टू मेजर सिस्टम्स, केमिकल सिस्टम विच इज हॉर्मोन्स एंड न्यूरल सिस्टम. ठीक है, न्यूरल सिस्टम से जो भी फंक्शन होता है दैट इज क्विक. ठीक है, बहुत तेज़ी से न्यूरॉन्स जो हैं एक जगह से दूसरे जगह सिग्नल पहुंचाते हैं. हॉर्मोन्स जो हैं वो थोड़े स्लो हैं. ठीक है, लेकिन न्यूरॉन्स हर जगह नहीं पहुंच सकते, और जिस जगह न्यूरॉन नहीं पहुंचता हॉर्मोन पहुंचता है. समझे, यहाँ से क्वेश्चन आया था. पता है इस चैप्टर में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं. हाँ जी, तो
क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि न्यूरॉन आपके हर एक बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंच सकता, हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकता। तो जिस सेल तक न्यूरॉन नहीं पहुंच रहा है, वहां कौन पहुंच के सिग्नल प्रोवाइड करते हैं? केमिकल हॉर्मोन्स। तो ये हॉर्मोन्स क्या हैं? व्हाट आर हॉर्मोन्स? कैसे डिफाइन करोगे हॉर्मोन्स को? तो एनसीईआरटी एक सीधा साधा सा डेफिनेशन देती है, और यस, सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर हॉर्मोन्स। हाँ, हेटरोक्राइन ग्लैंड ऐसा होता है, पैनक्रियाज एक हेटरोक्राइन ग्लैंड है, उसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एंडोक्राइन पार्ट भी है, ठीक है। तो देखो क्या है, हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फोर वर्ड्स यू हैव टू कीप इन माइंड, ओनली फोर वर्ड्स, कि भाई हॉर्मोन नॉन न्यूट्रिएंट है। नॉन न्यूट्रिएंट मीन्स डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी, कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। इंटरसेल्युलर मैसेंजर मतलब एक सेल ने हॉर्मोन रिलीज किया, और ये हॉर्मोन ब्लड के थ्रू, ब्लड के थ्रू हॉर्मोन क्या करता है, दूसरे सेल पे जाके इन सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है। सो दो सेल के बीच में मैसेंजर की तरह है, इंटरसेल्युलर मैसेंजर, ठीक है। बहुत कम अमाउंट में हॉर्मोन का प्रोडक्शन होता है, उतने कम अमाउंट में बढ़िया काम चल जाता है, और ऑब्वियसली एंडोक्राइन ग्लैंड बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके दिमाग में कि यार अगर ब्लड में हॉर्मोन जाता है तो ऐसा क्यों है कि एक हॉर्मोन का इफेक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे ही दिखता है, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में क्यों नहीं, है ना भाई? ब्लड तो सब जगह जा रहा है, लेकिन हॉर्मोन का इफेक्ट क्यों नहीं सब जगह दिख रहा है, सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्गन में दिख रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि हॉर्मोन का जो है, देखो हॉर्मोन ब्लड में था, लेकिन हॉर्मोन के जो टारगेट सेल है ना, उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। सो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन टारगेट सेल्स, ठीक है। तो ऑल दो हॉर्मोन जो है वो पूरे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में घूम रहा है, लेकिन वो अपने टारगेट सेल पे ही एक्ट करेगा, क्योंकि रिसेप्टर सिर्फ उसी के पास है, ठीक है। ठीक है जी, हाँ जी गरिमा, हाय। ब्लड टू टारगेट ऑर्गन देन एक्शन, यस प्रिंस। लेकिन टारगेट ऑर्गन तक वो पहचानता कैसे है कि यही मेरा टारगेट सेल है? क्योंकि टारगेट सेल पे रिसेप्टर है, जो टारगेट सेल नहीं है वहां पे रिसेप्टर भी नहीं है, सिंपल। तो ब्लड में घूमने दो, ठीक है। अब काम वो अपनी जगह पे करेगा जहां उसको करना है, क्योंकि उसका रिसेप्टर ही वही है, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि तुम्हारी बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? पिट्यूटरी, पीनियल, थायरॉयड एंड पैराथायरॉयड, ठीक है, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रेनल, टेस्टीज इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल्स, गोनाड्स। हाइपोथैलेमस इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, हाइपोथैलेमस के हैज न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। हाइपोथैलेमस जो है ये न्यूरल टिश्यू है, लिख दूं, न्यूरल टिश्यू है, ठीक है। इसके पास न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे एंड जहाँ पे ये डायग्राम है ना, फिगर 22.1 के राइट साइड में लिखा भी है कि नाउ लेट अस स्टार्ट टू स्टडी अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच आर पिट्यूटरी, पीनियल, एटसेट्रा एटसेट्रा। हाइपोथैलेमस इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड गाइज, ओके। हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ठीक है। हाइपोथैलेमस न्यूरल, एक सेकेंड, न्यूट्रल लिख दिया, न्यूरल टिश्यू है, ठीक है। वो हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन का पार्ट है, न्यूरल टिश्यू है, ठीक है। पिट्यूटरी, पीनियल, ये दोनों ब्रेन में होते हैं। पिट्यूटरी कहाँ होता है? इन द सेला टर्सिका, इन सेला टर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन, याद है ना, सेला टर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन। पीनियल ग्लैंड कहाँ है? डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है। लोकेशन भी एनसीईआरटी में ही दिया है,
है, हाइपोथैलेमस तो एंड नहीं है अजीम, हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ठीक है। पीनियल जो है वो फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड पे है। थायराइड कहाँ पे है? थायराइड इज जस्ट कहाँ पे है? थायराइड ग्लैंड इन द नेक अबव ट्रेकिया, और आई कैन से ऑन ईदर साइड ऑफ, ईदर साइड ऑफ ट्रेकिया, ठीक है। पैराथायरॉयड आर ऑन बैक और डॉर्सल साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। तो जो थायरॉयड ग्लैंड है वो ट्रेकिया के दोनों साइड है, वेंट्रल वेंट्रल साइड, ठीक है। और थायरॉयड ग्लैंड के पीछे, थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर डॉर्सल साइड पे पैराथायरॉयड ग्लैंड है। थाइमस कहाँ है भाई? थाइमस इज, हाँ थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है जल्दी से बताओ? नीट में लोकेशन नहीं आता आई थिंक, लेकिन आयत बात ये है कि ये सब एनसीईआरटी में दिया है, तो एनसीईआरटी तो मिस करके जाना चाहती हो तो बताओ। रमन घर से हूँ मैं, ठीक है बेटा, रोज आके यही सवाल। डॉक्टर अमित रॉय, हम पढ़ रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, हार्ट के पास होता है ऊपर या नीचे? हाँ ऊपर या नीचे, हार्ट के ऊपर, हार्ट के नीचे, इट इज वेंट्रल टू हार्ट, वेंट्रल टू हार्ट मतलब तुम्हारे दिल के ऊपर है। पैनक्रियाज है, एड्रेनल है, ठीक है। पैनक्रियाज कहाँ है? इन सी शेपेड लिम्ब्स ऑफ डुओडनम। डुओडनम जो है, डुओडनम ऐसा होता है ना इस तरह से, यहीं पे पैनक्रियाज होता है, या आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखा है, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड इज ऑन टॉप ऑफ किडनीज, किडनी के टॉप पे एड्रेनल ग्लैंड है ना। वेंट्रल मतलब अपर साइड, और ये टेस्टीज और ओवरीज ये कहाँ होते हैं? गोनाड्स जो हैं वो होते हैं पेल्विक रीजन में, ठीक है। ये है भैया ओवरऑल लोकेशन, क्योंकि देखो इस डायग्राम का जो नीचे दिया है, इट सेज लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, तो दिखाया है लेकिन बताया नहीं है, टेक्स्ट में बताया है, मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है। चलो बात करते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस जो है तुम्हारा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि इसके हॉर्मोन्स जो हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज योर मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो देखो ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स हैं नंबर वन एंड नंबर टू, ठीक है। पिट्यूटरी के दो लोब्स होते हैं बेटा, ठीक है। पिट्यूटरी बिलो द इंटेस्टाइन? नहीं जी नहीं, इंटेस्टाइन कहाँ, क्या बोल रहे हो प्रिंस? डुओडेनम से तो स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, और डुओडेनम सी शेप का है, उसी के लिम्ब्स के बीच में पैनक्रियाज है लीफ शेप का। डॉर्सल मतलब बैक, वेंट्रल मतलब फ्रंट, ऊपर आगे, ठीक है। हाँ जी, तो पिट्यूटरी के दो लोब्स हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसको कहा जाता है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। ये हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम क्या करता है? ये हाइपोथैलेमस तक ब्लड लेकर जाता है, एंड वहां से ब्लड आ जाता है टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये हाइपोफाइजियल, और फिर यहां से चला जाता है टू द हार्ट, समझे बेटा? हाँ, तो ये हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम जब हाइपोथैलेमस तक ब्लड लेकर गया, तो न्यूरॉन नंबर वन क्या करेगा? अपने हॉर्मोन्स को इस ब्लड में रिलीज कर देगा, और ये ब्लड सर्कुलेशन एंटीरियर पिट्यूटरी तक हॉर्मोन्स लेकर आएगा, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हॉर्मोन्स बनाएंगे, सिंपल। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, किसके थ्रू? हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू, ठीक है। हाँ ठीक है। और आपको न्यूरॉन नंबर टू क्या दिख रहा है? न्यूरॉन नंबर टू का ये जो एक्सॉन है, ये एक्सॉन डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है और हॉर्मोन्स को यहाँ स्टोर कर देता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हॉर्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, नो सिंथेसिस ऑफ हॉर्मोन,
यहाँ पे कोई हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ रिलीज करता है हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो आप क्या देख रहे हो कि हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल कर रहा है, थ्रू द न्यूरॉन डायरेक्टली, है ना। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट एक्सोनल कंट्रोल। डायरेक्ट एक्सोनल कंट्रोल मतलब हाइपोथैलेमस का जो न्यूरॉन है उसका एक्सोन डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आता है, ठीक है ना। फिर क्या होगा, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी की बात हम बाद में करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, पिट्यूटरी और हाइपोफाइजियल ग्लैंड, ठीक है। तो इसीलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाँ एग्जैक्टली। तो देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, जहाँ पे हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन स्टोर होते हैं, पहला है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है एडीएच या वैसोप्रेसिन। एडीएच का फुल फॉर्म सबको आता है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, हाँ एंटी डायूरेटिक हार्मोन सबको पता है ना जी, हाँ। डिवाइडेड एनाट, यस इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इंटू टू लोब्स, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर, एनाटॉमिक डिवीजन है ये, ठीक है। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहते हैं, क्योंकि आप, हमने अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिवाइज किया है, तो अगर आप लोग मेरे साथ थे मंडे और ट्यूसडे को तो आपको पता होगा ऑक्सीटोसिन जो है वो यूटरस का कॉन्ट्रैक्शन कराता है फॉर एक्सपेलिंग द बेबी आउट, इसीलिए इसीलिए बर्थ हार्मोन। और दूसरा वो मैमरी ग्लैंड से मिल्क का इजेक्शन भी कराता है, इसीलिए मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ये दो इसके आयत, क्या डाउट है बोलो, ये दो इसके फंक्शन है। एडीएच क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कम करता है, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट जो कहाँ होते हैं, नेफ्रॉन में, वहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। हिमांशु ऑक्सीटोसिन मिल्क का सिक्रीशन नहीं कराता है, इजेक्शन करवाता है, ठीक है ध्यान देना। ओके इजेक्शन मतलब मैमरी ग्लैंड से बाहर आ रहा है, सिक्रीशन का मतलब मैमरी ग्लैंड में बन गया लेकिन वो अभी भी अंदर ही है, ग्लैंड्स के अंदर है, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी देख लिया हम लोगों ने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को अफेक्ट करते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को बच्चों हम अडीनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। तो जैसे हाइपोथैलेमस बनाता है, एक सेकेंड रुक जाओ, हाइपोथैलेमस बनाता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे थ्रू द पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सर्कुलेशन, और वहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन बना के सिक्रीट करने लगेगा, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन था। तो हाइपोथैलेमस बेसिकली दो तरह के हार्मोन बनाते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ठीक है। क्योंकि भाई मास्टर ग्लैंड को अगर कंट्रोल करना है तो वहां से सिक्रीशन करवाना भी पड़ेगा और रोकना भी पड़ेगा, है ना। दूसरा है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको सोमैटोस्टैटिन भी बोलते हैं। पिट्यूटरी पे जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे बोलेगा कि भैया ग्रोथ हार्मोन मत बनाओ, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन टीआरएच, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है और बोलता है, रुक जाओ रुक जाओ अनमोल, जब मैं नीचे आऊंगी आई विल डेफिनेटली हाइड माई सेल्फ बेटा, ओके डू नॉट वरी। है इंजेक्शन मीन्स तो अंदर एम्प्टी करवाना, इजेक्शन रूशी, इजेक्शन इंजेक्शन नहीं, इजेक्शन ई जे इजेक्शन, ठीक है। हाँ तो टीआरएच क्या करेगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा और बोलेगा कि भाई टीएसएच बनाओ, थायरोट्रोपिन स्टिम्युलेटिंग हार्मोन बनाओ, ठीक है। फिर है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीआरएच, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा बोलेगा कि भाई एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन बनाओ, ठीक है।
अब ये सारे हार्मोन क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH जो पिट्यूटरी पे अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेंगे गोनाडोट्रोपिन्स बनाने, ल्यूटिनाइजिंग एन FSH. ठीक है. प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, एक सेकेंड, अब मैं अपने आप को छुपा लेती हूँ ज़रा सा. ठीक है. देखो ये क्या है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि भैया प्रोलैक्टिन बनाओ. और ये प्रोलैक्टिन क्या करेगा, मैमरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीशन करवाएगा, है ना. प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन PRLIH या डोपामीन. ठीक है. डोपामीन जो है वो एक यहाँ पे हार्मोन है. ठीक है. ये क्या करेगा, प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है. तो होता क्या है, प्रोलैक्टिन, भाई मिल्क सिक्रीशन कब होना चाहिए, बच्चा पैदा होने के बाद, हमेशा तो नहीं होता है. विच मीन्स कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है या फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो प्रोलैक्टिन को हमेशा इनहिबिट करके रखता है. जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करता है. समझे, सेव हो रहा है ना माइंड में. चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बच्चों. अगर ऐसा है तो जल्दी से और भी दोस्तों को बुला लो ना, और भी दोस्तों को बुला लो. ठीक है. हाँ तो क्या है, देखो कि ध्यान से सुनो, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. फीमेल के थ्रू आउट लाइफ में जब तक उसके बच्चे पैदा नहीं होते या फिर जब तक वो ब्रेस्ट फीड नहीं करती, तब तक प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को हाइपोथैलेमस इनहिबिट करके रखता है. ठीक है. फिर जब ब्रेस्ट फीड करना है वो इनहिबिशन हटा देता है. ठीक है. सिंपल. नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इनहिबिटरी एक्शन हटा लिया जाता है. अच्छा, नेक्स्ट है मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन MSHRH. क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, बोलेगा कि भाई MSH बनाओ, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन बनाओ. ठीक है. जो कि तुम्हारे स्किन के पिगमेंट वाले सेल मेलानोसाइट को जाके बोलेगा कि भाई मेलानिन बना, क्या कर रहा है, और डार्क करना है, पर बंदे को और काला करना है. ठीक है. और ज्यादा मेलानिन बना. ठीक है. वेयर एज मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा, MSH के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा, तो आपके मेलानोसाइट मेलानिन बनाना बंद कर देंगे. समझे. तो इतना क्लियर है. तो मैं एक क्वेश्चन पूछूं, इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए मुझे, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. जवाब दीजिए बच्चों इस क्वेश्चन का मुझे, कि विच हार्मोन इज अंडर प्रीडोमिनेंट इनहिबिटरी कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस. कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस के प्रीडोमिनेंट इनहिबिटरी कंट्रोल में है. जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से, क्विक, वेरी वेरी क्विक. जल्दी, अभी समझाया मैंने. वेरी गुड आंसर अहमद, वेरी गुड. दिख नहीं रहा है भाई, बहुत क्लियरली दिख रहा है आदर्श. नहीं, ओनली अहमद इज करेक्ट. बाकी जनता देखो मैंने क्या बोला, प्रीडोमिनेंट इनहिबिटरी कंट्रोल मतलब डोमिनेंटली वो इनहिबिट होता है. अभी मैंने क्या तो इसका आंसर होगा प्रोलैक्टिन. भाई प्रोलैक्टिन जो है हमेशा इनहिबिटेड होता है ना, जब ब्रेस्ट फीड करना है सिर्फ तभी इनहिबिशन हटाया जाता है. तो यहाँ पे आपका की वर्ड था प्रीडोमिनेंट. अगर आप सोच रहे हो इनहिबिशन, तो भैया वो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को भी इनहिबिट करता है और इस तरह से तो MSH के सिक्रीशन को भी इनहिबिट करता है, अभी पिछले टेबल में देखा है ना. तो इनहिबिटरी कंट्रोल नहीं पूछा था, पूछा था प्रीडोमिनेंट इनहिबिटरी कंट्रोल. बात समझ आया आयत एंड एवरीवन एल्स, मैंने आपको आंसर दे दिया, समझ आया हाँ या नहीं. प्रीडोमिनेंट इज योर की वर्ड, कि भैया हमेशा ये वाला हार्मोन इनहिबिटेड रहेगा एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट ब्रेस्ट फीडिंग. ठीक है. तो ऑलवेज इनहिबिटेड एक्सेप्ट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग. ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड. ऐसा नहीं है कि आज ब्रेस्ट फीड किया, दो घंटे नहीं किया तो फिर ये फिर से इनहिबिट हो जाएगा. नहीं, जब जितने देर तक मम्मा ब्रेस्ट फीड करेगी उतने देर तक इनहिबिटरी कंट्रोल हटा रहता है, फिर जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग बंद इनहिबिटरी कंट्रोल फिर से एक्ट करेगा. ठीक है, अब गलती नहीं होगी. वेरी गुड.
चलो नेक्स्ट बात करते हैं पिट्यूटरी, और यहाँ पे मेजरली हम बात कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की, क्योंकि पोस्टीरियर की बात हम पहले स्लाइड पे कर चुके हैं। तो देखो मैंने अभी आपको बताया वो सारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे आके हार्मोन का सिक्रीशन करवाते हैं। अब हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स और उनका क्या फंक्शन है, ठीक है। तो TSH जिसको थायरोट्रोफिन भी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, थायरॉयड ग्लैंड से थायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन कराएगा, ठीक है। तो TSH जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू थायरॉयड ग्लैंड, और थायरॉयड ग्लैंड को बोलेगा कि भैया थायरॉयड हार्मोन बनाओ, क्या कर रहे हो, ठीक है। ACTH एड्रेनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन कराता है। प्रोलैक्टिन जिसको तुम ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन भी बोलते हो, क्योंकि लैक्टेशन इज ल्यूटियोट्रॉफिक, ठीक है, हाँ, वो क्या करेगा, मैमरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रीशन करवाएगा। MSH क्या करेगा, मेलानोसाइट से मेलेनिन का सिक्रीशन कराएगा। LH मेल और फीमेल, भाई गोनाड्स तो दोनों के पास है ना, मेल के पास भी फीमेल के पास भी, मैं फिर छुप जाती हूँ, ठीक है, हाँ। देखो LH क्या करता है, मेल के अंदर लेडिग सेल्स पे एक्ट करता है और वहां से एंड्रोजेंस विच आर मेल हॉर्मोन्स का सिक्रीशन कराता है, मेल सेक्स हॉर्मोन्स का। टेस्टोस्टेरॉन इज वन ऑफ द मेल सेक्स हॉर्मोन्स, ठीक है। फीमेल के अंदर ये ओव्यूलेशन कराता है और कॉर्पस ल्यूटियम बनवाता है, तो इसीलिए ओव्यूलेटरी हॉर्मोन है, ठीक है। FSH मेल के अंदर क्या करेगा, सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा। सर्टोली सेल्स विल सिक्रीट सर्टेन फैक्टर्स दैट स्टिम्युलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल के अंदर ये फॉलिकल डेवलपमेंट कराएगा, एंड फॉलिकल्स क्या बनाते हैं, ईस्ट्रोजन, फॉलिकल के सेल्स बनाते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। सब NCERT में है भाई, सब NCERT में है। ग्रोथ हार्मोन कहाँ एक्ट करता है, ये आपके लॉन्ग बोन्स पे एक्ट करता है और उनकी लंबाई को बढ़ाता है, लिम्ब्स की लंबाई को बढ़ाता है, हाथ पैर। प्रोटीन एंड फैट का ब्रेकडाउन करता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है। तो क्या होता है, जब ग्रोथ हार्मोन फैट का ब्रेकडाउन करता है ना, तो कीटोन बॉडीज आर रिलीज्ड। अब मैं अपना वापस आ रही हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। जब ग्रोथ हार्मोन फैट का ब्रेकडाउन करता है तो कीटोन बॉडीज आर फॉर्म्ड, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ग्रोथ हार्मोन क्या है, उसका कीटोजेनिक इफेक्ट है। कीटोजेनिक इफेक्ट ये आपने कभी पढ़ा होगा, इसीलिए बता रही हूँ, ठीक है। हाँ, ईस्ट्रोजन बाय थीका इंटरना, ईस्ट्रोजन नहीं, ग्रैन्युलोसा सेल सिक्रीट ईस्ट्रोजन, थीका इंटरना दूसरे हार्मोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, कीटोजेनिक इफेक्ट। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा भाई, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज रिलीज होगा, ग्लूकोज रिलीज, तो इसीलिए क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डायबिटोजेनिक इफेक्ट। डायबिटीज में भी यही होता है ना, ग्लूकोज रिलीज इन ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है ग्रोथ हार्मोन, तो हम उसको कहते हैं डायबिटोजेनिक इफेक्ट, ठीक है जी। चलो कितने ईयर की एज तक सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन, प्यूबर्टी के बाद नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो तुम्हारी हाइट को नहीं बढ़ाएगा, वो बाकी ऑर्गन्स के ग्रोथ को देखेगा, तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। प्यूबर्टी पे एपिफाइजियल प्लेट्स बंद हो जाते हैं प्यूबर्टी के बाद, एडल्टहुड में एपिफाइजियल प्लेट जहाँ पे एक्ट करता है ग्रोथ हार्मोन वो बंद हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन का आंसर दो, विच एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन हैज इफेक्ट्स अपोजिट टू दैट ऑफ इंसुलिन, कौन सा एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है जिसका इफेक्ट इंसुलिन के ऑपोजिट है, अभी बताया है, जल्दी से जवाब दो, क्विक 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 जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है गाइज, जल्दी से, हाँ क्विकली इसका आंसर दीजिए जल्दी से। सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कीटोनूरिया, नहीं कीटोनूरिया तब होता है जब कीटोन बॉडीज यूरिन में आने लगे, ठीक है। क्या होगा आंसर, हाँ
चलो मैक्सिमम लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं भाई, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ग्रोथ हार्मोन अभी मैंने बताया ना ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, डायबिटीज जैसा इफेक्ट देता है, लेकिन ये प्यूबर्टी के टाइम पे ही, उस समय ज़रूरत होती है, क्योंकि जो सेल्स हैं वो इतना तेज़ी से तुम्हारा हाइट बढ़ रहा है, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, उसके वजह से लगातार ग्लूकोज की सप्लाई चाहिए, तो इसीलिए ब्लड में ग्लूकोज लेवल थोड़ा हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखते हैं अलग अलग ग्लैंड्स, उनके हार्मोन और उनके रेस्पेक्टिव एक्शंस। तो अब आपको बहुत सारे ग्लैंड्स देखने हैं। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन बनाता है, जो कि आपके स्लीप एंड वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, 24 आवर के रिदम्स, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्काडियन रिदम्स। सर्काडियन रिदम जो है ये टर्म न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में है, तो देख लेना भाई। ठीक है, सर्काडियन रिदम कौन कंट्रोल करता है, मेलाटोनिन कंट्रोल करता है। सर्काडियन रिदम का मतलब 24 घंटे में आप कब उठोगे, कब सोओगे, कब आपको ज़्यादा नींद आएगी, कब कब नींद आएगी, कब ज़्यादा अलर्ट रहोगे, और ज़्यादा अलर्ट रहोगे तो ऑब्वियसली डिफेंस कैपेबिलिटी बेटर होगी, है ना। जब अलर्ट रहते हो और फ़ोन चला रहे होते हो, पढ़ाई के टाइम में जब फ़ोन चलाते हो तो अलर्ट रहते हो ना, कि एक भी पैर की आहट हुई मम्मी की फ़ोन तुरंत अंदर, वैसा अलर्टनेस मेलाटोनिन के वजह से है। ज़्यादा होगा मेलाटोनिन नींद आएगी, कम होगा मेलाटोनिन अवेक रहोगे। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, पिगमेंटेशन को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, लाइट में, जब लाइट होती है ना तो मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम हो जाता है, जब डार्क होता है, ठीक है, हाई सिक्रीशन इन डार्क, लेस इन लाइट, तो इसीलिए, ठीक है। और जब मेलाटोनिन का सिक्रीशन कब होगा, तो यू स्टे अवेक, जब ज़्यादा होगा तो यू फील स्लीपी। इसीलिए मम्मी बोलती है ना, रात में सोते वक्त फ़ोन नहीं चलाया करो, क्यों, क्योंकि फ़ोन की लाइट आँखों पे पड़ेगी, उससे पीनियल ग्लैंड पे इफेक्ट पड़ेगा, मेलाटोनिन कम होगा, आपको नींद नहीं आएगी, जगे रहोगे, समझे। हाँ ठीक है, आर्टिफिशियल लाइटिंग से फ़र्क पड़ता है। एंड ऑल्सो इट इज़ एंटी गोनाडियल हार्मोन। एंटी गोनाडियल हार्मोन मतलब ये गोनाड्स के मैच्योरेशन को थोड़ा कंट्रोल करता है, टाइम से पहले मैच्योरेशन नहीं होने देता। नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड, जो थाइमोसिन बनाता है। थाइमोसिन क्या करेगा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल्स। ठीक है, वरुण आप जो पूछ रहे हो वो इंटरस्टीशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है, विच इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो इंटेस्टाइनल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन नहीं है, वो है इंटरस्टीशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, विच इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, हाँ, तो थाइमोसिन जो है वो टी सेल्स के मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करता है, और बी सेल्स को हेल्प करता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन में। ठीक है, तो थाइमोसिन क्या है, ये ओवरऑल इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है, लिख दूं, नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट्स ओवरऑल इम्यूनिटी। ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन ओवरऑल इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है। ठीक है जी, हाँ, अमित रॉय नीट चैनल पे जेई की क्लास नहीं चलेगी, ग्रेडअप के जेई चैनल, ग्रेडअप जेई चैनल है जहाँ पे आपको जेई की क्लास मिलेगी। हेलो, थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन, थायराइड ग्लैंड इनफैक्ट तीन हार्मोन बनाता है, ट्राईआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन, जिसको आप थायरोक्सिन भी बोलते हो। थायरोक्सिन क्या करता है, थायरोक्सिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, आपके बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, एंड एक इट हैज़ अ कैलरीजेनिक इफेक्ट। ठीक है, जब ज़्यादा थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है ना, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, उसको हम कहते हैं कैलरीजेनिक इफेक्ट। ठीक है, इराइथ्रोपोइसिस को स्टिम्युलेट करता है, इराइथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी फॉर्मेशन, टिश्यू डिफ्रेंशिएशन को स्टिम्युलेट करता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करता है, और न्यूरोट्रांसमिटर्स एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन को भी एनहांस करता है।
थायराइड ग्लैंड से ही एक और हार्मोन आता है जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन या TCT। ये ब्लड कैल्शियम लेवल्स को कम करता है। हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है, ब्लड में कैल्शियम कितना होगा वो कौन कंट्रोल करेगा? TCT। थायराइड के पीछे ही पैराथायराइड ग्लैंड होता है जो कि PTH हार्मोन बनाता है, ठीक है, विच इज पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है? ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है हाइपर कैल्सिमिक, इसका मतलब कि तुम्हारे ब्लड के कैल्शियम लेवल को दो हार्मोन्स इन्फ्लुएंस करते हैं, TCT एंड PTH ऑपोजिट एक्ट करते हैं, इसको हम कहेंगे एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स, है ना, क्योंकि दोनों का ऑपोजिट इफेक्ट है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स हैं ये। थायराइड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, नज़र आ रहा है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये, ठीक है जी। ऋषि जो भी डाउट है पूछो, ठीक है। T3 इज ट्राइआइडोथायरोनिन, T4 इज टेट्राआइडोथायरोनिन, ठीक है। नेक्स्ट एक और सवाल, विच ग्लैंड इज नोन एज थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, किस ग्लैंड को आप इम्यूनिटी का ताज बुलाओगे, इम्यूनिटी का बादशाह बुलाओगे? पीनियल थायराइड, थाइमस या पैराथायराइड? इफ अ पर्सन गेट्स एक्सीडेंटली ब्लाइंड देन मेलाटोनिन कैसे फंक्शन करेगा? हिमांशु, इसका जवाब मैं कल दूंगी, क्योंकि इसी पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन पूछा है आपसे एट द एंड ऑफ द सेशन। पहले उसका जवाब दोगे फिर मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर करूंगी, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। हाँ, समझे? टेलीग्राम ग्रुप मैं आपको बता दूंगी। हाँ जी, हैं ये गैंग्रीन डिक्रीज क्या है? ऋषि, गैंग्रीन डिक्रीज कहाँ लिखा है? गैंग्रीन डिक्रीज तो कहीं नहीं लिखा। यस, द करेक्ट आंसर इज गाइस थाइमस, क्योंकि थाइमस जो है वो टी सेल्स पे भी इफेक्ट डालता है, बी सेल्स को भी एंटीबॉडी बनवाता है, और ओवरऑल इम्यूनिटी को भी इफेक्ट करता है, तो इसीलिए थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी है थाइमस ग्लैंड, ठीक है जी। एंटागोनिस्टिक मतलब ऑपोजिट एक्शन, एंटागोनिस्टिक यहां लिख दूं, एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है ऑपोजिट एक्शन, ठीक है। ठीक है वरुण, टेलीग्राम आईडी राकेश आपको सेशन के एंड में बता दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स। भाई अब हम बात कर रहे हैं एड्रेनल ग्लैंड की। एड्रेनल ग्लैंड में दो रीजन्स होते हैं, बाहर कॉर्टेक्स, अंदर मेड्यूला। कॉर्टेक्स में भी देयर आर थ्री बैंड्स या थ्री जोन्स, ठीक है। पहला जोन होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। दूसरा जोन होता है जोना, ये आउट है, हाँ, फैसिक्यूलेटा। और तीसरा जोन होता है, नज़र आ रहा है ना, जोना रेटिक्यूलारिस, दिस इज इन, ठीक है। तो GFR, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड बनता है जी से। एल्डोस्टेरॉन इज द मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड, NCRT की लाइन है ये। फिल्टरेट से सोडियम और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा, ठीक है। आपका ब्लड फिल्टर होता है ना किडनी में, तो फिल्टरेट जो बनता है वहां से सोडियम और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन और पोटेशियम और फॉस्फेट आयंस का सिक्रीशन करवाता है एल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन का प्रिकर्सर टायरोसिन, हाँ तभी तो ट्राइआइडो, ठीक है, हाँ टायरोसिन है, यस, हाँ ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसमें से कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज रिलीज्ड फ्रॉम द एफ जोन, जोना फैसिक्यूलेटा, विच इज द मिडिल एंड इट इज ऑल्सो द वाइडेस्ट, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनवाएगा। प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाएगा, लिपिड का ब्रेकडाउन करवाएगा, एंड जो प्रोटीन और लिपिड के ब्रेकडाउन का प्रोडक्ट होगा उस मटीरियल को मिला के नया ग्लूकोज बनाएगा। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज फ्रॉम
नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। और नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज का मतलब क्या है, ये प्रोटीन और फैट का जो ब्रेकडाउन हो रहा है वही। स्टिमुलेट्स एराइथ्रोपोएसिस आरबीसी फॉर्मेशन, ठीक है। रेगुलेट्स किडनी एंड कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। कॉर्टिसोल इज द बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी। कभी भी जब कहीं पे कोई भी सपोज आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो गई, तो एलर्जी होती है तो स्किन पे रैशेज, रेडनेस, स्वेलिंग होती है, उसके अगेंस्ट ये यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ द बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, ठीक है। भाई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम है ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाना, और उसका तरीका है प्रोटीन और फैट के ब्रेकडाउन को करके, ठीक है। सेक्स कॉर्टिकॉइड रिलीज होता है रेटिकुलरिस रीजन से, जो कि रेगुलेट करेगा मेल हेयर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन। आपने देखा है ना, बॉडी हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन लड़के और लड़कियों में अलग होता है। लड़कियों में दाढ़ी नहीं आती, चेस्ट हेयर नहीं होते, अबडोमन में बहुत ज़्यादा हेयर नहीं होते, बैक पे बहुत ज़्यादा हेयर नहीं होते, ठीक है। लेकिन लड़कों में ये सब जगह पे हेयर है, फेशियल हेयर है, चेस्ट हेयर बहुत डेंस है, बैक हेयर बहुत डेंस है। तो यही है मेल हेयर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन। जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे सेक्स कॉर्टिकॉइड रेगुलेट करेगा। एंड ग्रोथ ऑफ एक्सियल, एक्सियल मतलब आर्मपिट, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर इज रेगुलेटेड बाय सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये एनसीईआरटी की लाइन है, बोल मत देना कि मैंने नहीं बताया, ठीक है। एड्रेनल मेड्यूला, अच्छा देखो तो क्या से याद करना है, GFR, ठीक है। GFR सबसे बाहर जी होता है, ग्लोमेरुलोसा, याद रखना, ठीक है। एड्रेनल मेड्यूला जो है वो दो हार्मोन बनाता है, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, या इसी को तुम एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। एड्रेनलिन को ही एपिनेफ्रिन बोलते हैं, नॉरएड्रेनलिन को ही नॉरएपिनेफ्रिन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। एक ही हार्मोन के दो नाम हैं। तो ये क्या करता है, नाम से आपको लग रहा होगा कि दोनों का ऑपोजिट एक्शन है, नहीं, दोनों हार्मोन सेम चीज करता है। हार्ट बीट बढ़ा देगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देगा, पसीने आएंगे आपको, ठीक है। पाइलो इरेक्शन मतलब गूज बम्प्स होगा, अलर्ट हो जाओगे, आंखें फटी की फटी, प्यूपिल डायलेशन होगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, प्रोटीन ब्रेकडाउन, लिपिड ब्रेकडाउन होगा। जो भी आपके स्किन और विसरल मतलब जो आपके स्किन और जो इंटरनल बॉडी पार्ट के जो या इंटरनल स्मूथ मसल्स हैं उनकी ब्लड कैपिलरीज का डायमीटर कम हो जाएगा। तो बेसिकली ये हार्मोन जो है ये इमरजेंसी हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन है। तो जब इमरजेंसी होगी, जिस दिन आपका नीट का रिजल्ट आएगा, यही सब तो होगा आपके साथ, है ना। स्ट्रेस के टाइम रिलीज होता है, नहीं, स्ट्रेस के टाइम कॉर्टिसोल ज़्यादा है, स्ट्रेस के टाइम कॉर्टिसोल का भी रिलीज होता है। इमरजेंसी हार्मोन इज द करेक्ट टर्म, या हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट। भैया लड़ लो या भाग जाओ, ठीक है, लड़ लो या भाग जाओ, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर करो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स एक्ट एज न्यूरो ट्रांसमीटर ऑल्सो। कौन सा हार्मोन है जो न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करता है बच्चों, ठीक है। हाँ, कौन सा हार्मोन है, बहुत हैवी एग्जाम्पल हिमांशु, ये स्ट्रेस इमरजेंसी भी है भाई। तुम्हारा सोचो रिजल्ट आते आते अगर बफर होने लगा, क्या हालत होगी तुम्हारी। हाँ अच्छा आर्यन, मैंने देखा नहीं, वालेकुम सलाम। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर ऑल्सो। यहां से भी क्वेश्चन आया था। अच्छा जी, किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं है किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, एड्रेनलिन, सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं, हार्मोन भी हैं ब्रेन में। ये तीनों हार्मोन ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन, समझे बेटा। हाँ, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल कवर करेंगे जितने भी ग्लैंड्स रह गए हैं और जितने भी हार्मोन और उनके डिसऑर्डर्स हैं। तो उसके लिए भी मैं एक टेबल दे दूंगी आपको, एंड आपको पक्का बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि जनरली इन, देखो,
जो यहाँ पे डिसऑर्डर्स आप पढ़ते हो ना हार्मोन वाले, उनका सिम्टम कोई नहीं पूछता, बस ये पूछता है कि किस हार्मोन के ज़्यादा या कम सिक्रीशन के वजह से है। तो वो टेबल मैं आपको कल प्रोवाइड करूँगी इसी क्लास में रात के 9 बजे। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। विच न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस रिलीज ऑक्सीटोसिन एंड ADH, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन प्रिवेंट्स मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ टैडपोल इनटू एन अडल्ट फ्रॉग। इन ब्लाइंड पीपल हाउ डज मेलाटोनिन इफेक्ट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है जी। ये आपके 3 होमवर्क क्वेश्चन हैं जो आपको इस क्लास के बाद कमेंट सेक्शन दिखेगा मेरी वीडियो के नीचे, वहां पे आपको आंसर करना है। कल के सेशन में जो पहले 5 बच्चे होंगे उनका नाम हाईलाइट होगा, वो होंगे मेरे स्टार स्टूडेंट्स, ठीक है। PDF देती हूँ अमित जी, अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा तो वहां आपको PDF मिलेगा। सो गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माई सेशन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो बेल आइकन को हिट करो ताकि आप कल का सेशन अटेंड कर पाओ। एंड गाइज, ग्रेड अप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है। नीट का एग्जाम इज 4 मंथ्स 13 डेज अवे, प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपको हर जगह नजर आ रहा है। अभी तक अगर ग्रेड अप का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो बेटा गूगल प्ले पे मिलेगा, जाके इंस्टॉल करो। एंड यस, दैट इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। लास्ट टाइम होमवर्क किया था आपने, देखा नहीं आयत, मैंने देखा आप वीडियो में लेट आए, आपने क्लास लेट शुरू की इसीलिए आपने नहीं देखा, ठीक है। हाउ टू हैव माई क्रश रिग्रेट इग्नोरिंग मी नॉट रिप्लाइंग इफ आई क्रैक नीट। अभिनव देखो जी, लड़की बहुत मिल जाएगी, पहले ना नीट निकाल लो, डॉक्टर मिल गए, डॉक्टर बन गए ना तो भाई लड़कियों की लाइन लग जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है। पहले अपने नीट एग्जाम पे ध्यान दे लो, ठीक है। ये वाला रिलेशनशिप आपके फेज का, जो ऑनेस्टली एक्सपीरियंस के साथ, ये वाले जो फेज का रिलेशनशिप है ये कोई मतलब का नहीं है, किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो पहले जो है फटाफट आप लोग जो है नीट के एग्जाम की तैयारी ढंग से करो और क्रैक करो उसको, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, आई विल सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, ओके गाइज, ठीक है जी। दो ऑप्शन, सिर्फ प्रेप करो या ग्रेड अप के साथ सही प्रेप करो। ये है रोहन और डेटा शंकर सिन्हा, एनालिसिस करके स्टडी प्लान बनाने में चैंपियन, खूब रिसर्च करके टाइम टेबल बनाया, रोज 4 वीडियो देखूंगा, आखिरी 5 दिन मॉक टेस्ट और एग्जाम के 1 रात पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। इतनी एनालिसिस के बाद भी एग्जाम क्लियर होगा? पता नहीं क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, इस सब के एनालिसिस के लिए ग्रेड अप है ना। ग्रेड अप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है। डाउनलोड नाउ।